हेलो फ्रेंड्स, आज हमने बनाया है बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू। कच्चा नारियल और सूजी से हमने आज यह लड्डू बनाया है। इसे किस तरीके से बना करके तैयार किया है, देखते हैं इसकी पूरी रेसिपी। हमने यह लिया है एक कच्चा नारियल और यह मात्र 40 रुपये का मिलता है। 40 रुपये में आप लगभग 500 ग्राम लड्डू आराम से घर पे बना सकते हैं। और अगर आप यही लड्डू मार्केट से ख़रीदते हैं तो आपको 200 से 250 रुपये पर केजी मिलता है। 40 रुपये में ही आप घर में ही लड्डू बना करके खा सकते हैं बहुत आसानी से। कच्चा नारियल का जो ये सफ़ेद वाला भाग है, इसको हमको अलग करना है। इस तरह से निकल आता है, थोड़ा सा यहाँ चिपका होता है, लेकिन जब हम इसको मेहनत से निकालते हैं तो बाहर आ जाता है। इसका जो यह काला वाला भाग है, इसको हम हटा देते हैं ताकि जब हम इसको पीस करके लड्डू बनाते हैं तो लड्डू बहुत ही सफ़ेद होते हैं। अगर इसको नहीं निकालते हैं तो थोड़ा सा लड्डू का कलर हल्का काला हो जाता है, बहुत ज़्यादा काला भी नहीं होता है, थोड़ा सा हो जाता है। इसी तरह से हमें सारे नारियल को निकाल करके साफ़ करना है और इसका जो ये हार्ड वाला पार्ट है इसको हटा देना है और सफ़ेद वाला भाग इस्तेमाल करना है। हमने सारा नारियल साफ़ करके इसको इस तरह से पीस करके तैयार कर लिया है। इसका एक दरदरा पाउडर जैसा बन जाता है पीसने पर। अभी यह गीला है, चिपचिपा सा है, तो थोड़ा सा अच्छे से नहीं दिख रहा है। इसमें हमें पानी नहीं डालना है, कच्चा नारियल गीला होता है तो इसको ऐसे ही हमको पीसना है। मुलायम होता है, बहुत आसानी से इस तरह से पीसकर तैयार हो जाता है। तो नारियल हमने तैयार कर लिया है, अब हम बाकी की तैयारी भी देख लेते हैं। हमने आंच पर रख दी है कढ़ाई और इसमें डालेंगे 4 से 5 चम्मच देसी घी, क्योंकि हम इसमें सूजी को भूनेंगे तो सूजी को भूनने के लिए हमें घी का ही इस्तेमाल करना है। क्योंकि लड्डू बना रहे हैं तो लड्डू थोड़े से स्वादिष्ट बनते हैं घी में, तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। आधी कप सूजी डाल दी है मैंने, अब हम इसको भूनेंगे। हमने 200 ग्राम नारियल लिया है, जो हमने कच्चा नारियल घिसकर तैयार किया है उसकी मात्रा 200 ग्राम है, तो इसमें हम 50 ग्राम लगभग सूजी डालेंगे। सूजी की मात्रा हमको कम रखनी है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना है। नारियल की मात्रा ज़्यादा रखनी है और सूजी की मात्रा कम रखनी है हमको। 3 से 4 मिनट सूजी को हमें बिल्कुल लो आंच पर भूनना है, आंच को तेज़ बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो सूजी जल सकता है। सूजी जब घी में बढ़िया से भुन जाता है तो इसमें इस तरह से घी बिल्कुल अलग होने लगता है। ये देख रहे हैं आप, ऐसे लग रहा है घी इसमें अलग हो रहा है, घी की मात्रा ज़्यादा हो गई है, पहले घी की मात्रा कम लग रही थी। इस तरह से सूजी को हमें अच्छे से भून कर तैयार करना है। सूजी को हमने भून लिया है, इसमें बढ़िया सा हल्का कलर आ गया है और बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें डालेंगे यह जो नारियल हमने कच्चा वाला पीस के रखा था, इसको इसमें डाल देते हैं। सारा नारियल डालने के बाद अब हम सूजी और नारियल को भूनेंगे। तो अभी हम आंच को मीडियम रखेंगे, ज़्यादा तेज नहीं रखेंगे, नहीं तो सूजी जो है वह जलने लगेगा, क्योंकि सूजी कच्चे नारियल में अभी सही से मिक्स नहीं हुआ है, कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है। तो अभी आंच को मध्यम रखेंगे। सूजी और नारियल को हमें इस तरह से मिक्स करते हुए 1 मिनट भूनना है। नारियल का पानी जैसे जैसे सूखने लगता है, सूजी इसमें बढ़िया से मिक्स होने लगती है। नारियल और सूजी को हमने 1 मिनट भूना है। ये देखिए, नारियल का पानी सूख गया है, कैसे बिल्कुल भुरभुरा सा हो गया है, ऐसा लग रहा है हमने कच्चा नारियल नहीं सूखा नारियल इस्तेमाल किया है। इस तरह से हमको सूजी और नारियल को भून कर तैयार करना है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप दूध, हमने लिया 1 कप दूध है, लेकिन 1/2 कप दूध का हमको इस्तेमाल करना है। 1/2 कप दूध का हमने इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि हमने इसमें सूजी डाला है, तो दूध डालने से सूजी जो है थोड़ा सा फूल जाएगी, बहुत ज़्यादा गीली भी नहीं होगी। थोड़ा सा सूजी फूल जाती है तो लड्डू में खाने में अच्छा स्वाद आता है। बिल्कुल अच्छे से अब हम इसको मिक्स कर देंगे। दूध डालने के बाद हमने बढ़िया से मिक्स कर दिया है इसको और आंच को मध्यम ही रखा है, तेज नहीं करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे चीनी, तो चीनी आप इसमें थोड़ी सी कम भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। हमने 200 ग्राम चीनी लिया है। अब हम आंच को तेज़ कर देंगे क्योंकि हमने इसमें चीनी डाला है। चीनी डालने से इसमें फिर से पानी छूटेगा, जिसकी वजह से नारियल गीला हो जाएगा।
तो अब हम आंच को तेज़ रखेंगे और इसको इस तरह से मिक्स करते रहेंगे। आंच को हमने तेज़ कर दिया है, अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं। तो चीनी इसमें धीरे धीरे से पिघलने लगा है, चीनी की चाशनी बनेगी तो नारियल थोड़ा सा गीला लगेगा। चीनी जब नारियल में अच्छे से मिक्स हो जाती है, ऐसा लगता है कि चाशनी जैसी बन गई है, उस टाइम पर हमको नारियल को तेज आंच पर इस तरह से लगातार चलाते हुए भूनना है ताकि इसका जो पानी है वह सूख जाए, तभी लड्डू इसके बढ़िया से बन सकेंगे। ज़्यादा अगर यह गीला रहेगा तो फिर इसके लड्डू बनाने के बाद सूखेंगे नहीं, गीले गीले ही रहेंगे। तो इसको हमें अच्छे से भून लेना है ताकि इसका सारा पानी सूख जाए। अभी यह छूने से थोड़ा सा गीला लग रहा है, तो इसको एक मिनट तेज आंच पर इस तरह से चलाते हुए हम और भून लेते हैं। इस तरह से लगातार चलाते हुए नारियल को हम एक दो बार हाथों से इस तरह से चेक कर लेंगे इसके लड्डू बन रहे हैं या अभी बिखर रहा है। अगर यह बढ़िया से चिपक रहा है तभी हम आंच को बंद करेंगे, नहीं तो इसको हम इस तरह से भूनते रहेंगे। अभी यह देखने में लग रहा है कि इसके लड्डू बन जाएंगे क्योंकि चीनी फिर से चाशनी बन करके सूखी हो रही है। तो अब हम आंच को बंद कर देते हैं और इसको एक अलग बर्तन में निकाल कर जल्दी से ठंडा कर लेते हैं। नारियल को हमने कढ़ाई से निकाल करके एक थाली में रख लिया है। अभी यह थोड़ा ठंडा हुआ है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है। अगर ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो फिर इसके लड्डू बनाने में दिक्कत होगी, हल्का गुनगुना रहना चाहिए तभी हम इसके लड्डू बनाएंगे। नारियल में काफ़ी सारा तेल होता है तो हमको हाथों पर घी या तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए हमने जैसे लड्डू बनाया है हमारे हाथों पर कितना सारा तेल लग गया है, क्योंकि नारियल में काफ़ी सारा तेल होता है और हमने सूजी भूनने के लिए घी का भी इस्तेमाल किया है, तो यह हाथों में चिपकता बिल्कुल नहीं है। आप इस तरह से सादा लड्डू भी बना सकते हैं या फिर आप यह नारियल को जो बारीक लच्छा आता है उसके साथ मिक्स करके भी बना सकते हैं। नारियल के बारीक लच्छे के साथ जब हम मिक्स करके बनाते हैं लड्डू को तो यह खाने में और देखने में दोनों बहुत अच्छा लगता है। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा नारियल का लच्छा ले लिया है और इस तरह से मिक्स कर लेंगे, लड्डू के ऊपर थोड़ा सा लपेट कर लगा देते हैं तो लड्डू देखने में बहुत सुंदर लगता है। बाज़ार से भी बढ़िया हमारे लड्डू घर में ही बन करके तैयार हो गए हैं और बहुत ही कम दाम में। यह एक लड्डू आप किसी को भी खिलाएंगे तो वह आपसे ज़रूर पूछेगा आपने इसे किस तरीके से बनाया है, क्योंकि यह इतना ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। यह एक लड्डू आप खाएंगे तो आपका मन करेगा दूसरा लड्डू खाएं, दूसरा लड्डू खाओगे तो मन करेगा तीसरा लड्डू खाएं, क्योंकि यह लड्डू ऐसा है ही, इतना टेस्टी और इतना ज़बरदस्त इसका स्वाद आता है। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का कच्चे नारियल और सूजी से बना लड्डू की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी तरह की लाजवाब रेसिपी देखने को मिलेंगी। आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपको और भी लाजवाब रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।